इंग्लिश में कहेंगे So now open page number 38 and 39. In the first page there is a blue box where the author note is given. जहाँ पे लेखक के बारे में उनके परिचय के बारे में कुछ दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे और उसके नीचे देखिए साइकिल्स के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिससे आपका बहुत ईजी होगा साइकिल किसे कहते हैं बारे में जानने के लिए. ठीक है, अब देखिए ये है हमारा जो लेसन. There was an ambitious young eel who determined to ride on a wheel. मतलब एक ईल फिश जो ये सपना देखता है कि वो साइकिल चला सकता है. एक मछली के लिए साइकिल चला सकता है. Is this possible? Students, no. क्योंकि साइकिल में एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं क्या? पैडल. इसे हम कहते हैं पैडल. और पैडल देने के लिए क्या चाहिए? टू लेग्स चाहिए. ठीक है, लेकिन फिश के क्या लेग्स होते हैं? फिश के टेल्स होते हैं और फिन्स होते हैं. तो कैसे चलेगा ये फिश? इसीलिए यहाँ पे कितने एल फिश का इस्तेमाल किया गया? टू एल फिश का इस्तेमाल किया गया. और उन्होंने किस तरह से साइकिल को चलाया वो आपको चैप्टर में आगे जाके धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि एक इंसान आता है जो उनकी मदद करता है. हेल्प देम बाई टाइम ऑफ बेल्ट. बाई टाइम ऑफ बेल्ट बेल्ट उन दोनों के कमर में बांध देता है एंड कहता है इट्स बेटर टू हैव टू हेड्स इंस्टेड ऑफ वन. दो होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर एंड द लेसन. यहाँ पे देखेंगे कि नीचे और पूरे पैसेज में रेड कलर के पिंक कलर के कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि इनके मतलब आपको समझ में नहीं आएंगे तो उन सारे वर्ड्स के यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं. इसको अपने कॉपी में कीजिएगा और टर्न द पेज एंड कम टू पेज नंबर 40. वहाँ पे सवाल दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी इनको भी स्टडी कीजिए. जवाब दीजिए. ओके, सो स्टूडेंट्स.